विकास आमेटा जी हैं राजस्थान मेवाड़ से, त्रिप्रवर कश्यप गोत्रीय यजुर्वेद यज्ञदर्शी विकास आमेटा पंचद्रविण ब्राह्मण हैं। इनका प्रश्न है कि यज्ञोपवीत क्या स्वर्ण का, रजत का, ताम्र आदि का भी हो सकता है? क्या उसे धारण कर सकते हैं? तथा स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करती हैं क्या? क्योंकि कई जगह सुना है कई मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, तो वे यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं या नहीं, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में युगादि व्यवस्था है कि किस युग में किस पुरुष को, किस व्यक्ति को क्या और कितना कैसे करना चाहिए, यही विधि है। तो वेद के जो वाक्य हैं, जो भी सनातन धर्म में हैं, जो भी सिद्धांत है, वो सब विधि और निषेधात्मक है। तथा इसमें अधिकारी और अनधिकारी की विशेष चर्चा है। कर्म है तो इसका कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी नहीं है, तथा वह व्यक्ति किस अवस्था में अधिकारी है, तथा किस काल में अधिकारी है। कोई व्यक्ति इस समय पर अधिकारी था, आज नहीं है, इस समय अधिकारी होता है। हर कर्म का, हर कार्य का, करने का अधिकारी और करने का काल और वो कार्य करने का विधान, ये सब शास्त्र से निर्णीत है। उसी अनुसार करने में वो शास्त्र सम्मत होता है, अन्यथा वो सब शास्त्र विपरीत माना जाता है। ये स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत स्वर्णमय, पत्रमय, रजतमय और कार्पासमय होता है, परंतु इसकी युगादि व्यवस्था है कि किस युग में किस समय कैसा यज्ञोपवीत हो। फिर वर्ण भेद से भी है कि भाई ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, किसका किसका यज्ञोपवीत होना चाहिए, ऐसा भी है। तो देखिए, कृते पद्ममयम सूत्रम त्रेतायाम कनकोद्भवम द्वापरे राजतम प्रोक्तम कलौ कार्पास संभवम। कृत युग में कमल के डंठल का पद्ममय, कृते पद्ममयम सूत्रम, कमलमय यज्ञोपवीत होता था। और त्रेतायाम कनकोद्भवम, त्रेता में स्वर्णमय यज्ञोपवीत, तथा द्वापरे राजतम प्रोक्तम, द्वापर में चांदी का यज्ञोपवीत, और कलौ कार्पास संभवम, कलयुग में कार्पास यानी कपास का, सूत का, ये जो लोग हम लोग पहनते हैं, वो यज्ञोपवीत होना चाहिए। ये शास्त्र का निर्णायक वचन है इस दृष्टि से। और तथा ये भी है कि सभी वर्णों के लिए, किसी के लिए भाई वर्ण भेद से और आश्रम भेद से भी, कि भाई ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत किसका हो, गृहस्थों का किसका हो, वानप्रस्थों का किसका हो, तीन आश्रम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तो इस भेद से भी भेद था। तथा ये भी भेद है हमारे यहाँ कि वर्ण भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ण के यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो उनमें भी भेद था। परंतु कलयुग में सभी के लिए कार्पास संभवम ऐसा कह दिया गया, और परंपरा में भी सबके यहाँ ये देखा जाता है कि सभी लोग कार्पासमय यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत है। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि अभी स्वर्ण का या जो है रजत का, ताम्र का, मूज का या ऊर्ण का या अन्य यज्ञोपवीत जो भी शास्त्रों में चर्चित हैं, उनको कलयुग में धारण नहीं करना है, ये जो है बात प्रतिपादित की गई, क्योंकि शास्त्र में कार्पासमयम कलयुग के लिए विहित किया गया है। और आपने कहा हुआ था कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत होता है या नहीं, देखिए
अन्य युगों में यानी सतयुग आदि युग में जब माताएं ऋतुमती नहीं होती थीं उससे पहले तथा जो देवलोक की जो है मातृ शक्ति रूपा जो स्त्रियां हैं तथा हारीत आदि महामुनियों के अनुसार जो स्त्रियों के दो भेद किए गए हैं ब्रह्मवादिनी और सद्योवधु रूप, तो उनको अन्य युगों में यज्ञोपवीत का अधिकार था। देवकोटि की माताओं में, मातृशक्तियों में, और ये जो है जहां भी ये जो है शास्त्रों की चर्चा की गई है यज्ञोपवीत की जो भी बात है वो सनातन धर्म में हर जगह भाष्यकारों ने, आचार्यों ने और ग्रंथों में स्पष्ट रूप भी लिखा हुआ है कि वो सब अन्य युगों का विषय था। धर्म सिंधु में आप देख लीजिएगा और भी जहां भी शास्त्रों की चर्चा है, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के ग्रंथों में स्थल स्थल पर, पद पद पर ये सब चर्चा है। और वर्तमान में भी सनातन धर्मावलंबी जो भी परिवार हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो भी हैं, वे उनके यहाँ भी कोई भी स्त्रियाँ यज्ञोपवीत धारण नहीं करती हैं, क्योंकि ये अभी निषिद्ध है। कोई भी माता बहन यज्ञोपवीत को नहीं पहने। भगवान मनु ने स्पष्ट किया है कि माता बहनों का, स्त्रियों का जो यज्ञोपवीत है वो विवाह ही उनका उपनयन है। और पति सेवा गुरु वास, पति के यहाँ रह करके जो सेवा करती हैं वो गुरु के यहाँ वास है। और जो भी पाक क्रिया अपने लिए, जो भी ठाकुर जी के लिए, अतिथियों के लिए, अपने पति के लिए, परिवार के लोगों के लिए जो भी भोजन पकाती हैं वही यज्ञ है, वही उनका अग्निहोत्र है। वही फल मिलेगा जो फल ये करने से उन पुरुषों को प्राप्त होगा, द्विजों को प्राप्त होगा, वही स्त्रियों को वो कर्म करने से प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। वो विषय अलग है, यहाँ विषय दूसरा है। कहने का मुख्य बात तात्पर्य यह है कि स्त्रियों का कलयुग में खास रूप से अभी किसी भी स्त्री को यज्ञोपवीत पहनने का, करने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग भ्रमवश जो कि सनातन धर्म से सदा प्रतिकूल रहे हैं और वे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और हो सकता है कि वे सनातन धर्म का नाम लेकर के अपने आप को सनातनी कह करके और सनातन धर्म की ही जड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, वे स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने की चर्चा करते हैं। और जो कि सर्वथा निर्मूल है, अशास्त्रीय है और वो असनातन है तथा हानिकारक है, कहीं भी परंपरा में भी दृष्ट नहीं है कि माता बहनों को यज्ञोपवीत पहना जाए। इसके ऊपर बहुत से शास्त्रार्थ अनादिकाल से होते आए हैं, नास्तिक पक्ष और सनातनीय पक्ष, जैसे आर्य समाजियों से, और ये लोग भी हर किसी को, ब्राह्मण क्षत्रिय को भी नहीं, अन्य चतुर्थ आश्रमियों को, चतुर्थ वर्णों को भी, जो चतुर्थ वर्ण अंत्यज आदि हैं उनको भी यज्ञोपवीत धारण करने की चर्चा करते हैं, और स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहनाने के प्रकल्प चलाते हैं जो कि सर्वथा अशास्त्रीय हैं। इसका भी अवलंबन करते हुए कुछ गायत्री परिवार वाले और भी लोग जो कि माता बहनों को यज्ञोपवीत पहना करके और उनको गलत मार्ग पर चलने का निर्देश करते हैं जो कि अशास्त्रीय है, जिसमें कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से और शास्त्र की जनक भी नहीं है। वे लोग जो शास्त्र का वचन प्रमाण देते हैं वह अन्य युगों के लिए है तथा अन्य लोकों के लिए, देवलोक आदि के लिए वह सिद्ध है। उस बात को लेकर के कि वो जो है गार्गी थी, लोपा मुद्रा थी, मैत्रेयी थी, इन जिन लोगों का, कईयों के अपाला थी, इनके नाम लेकर के वो ऋषिकाएं थी, वो ये ऐसा करती थी, अरे भाई वो अन्य युगों की व्यवस्था थी,
अन्य युगों की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था अगर आप शास्त्र को की बात को एक तरफ रख करके वर्तमान की स्थिति को भी देख करके बात करेंगे तो आज जो भारत का संविधान है तो वो मान्य होगा, या जो है किसी समय पर जो राजतंत्र चलता था उस समय की जो बातें थी तो अब कोई मान्य होगी? यद्यपि वो सही है, शास्त्र में लिखी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि वही राजतंत्र आए, लेकिन वर्तमान की जो कानून है उसके अनुसार चलना पड़ेगा अभी जो लिखा हुआ। तो ये तो एक यहाँ के सामान्य राज्य में होता है। तो कालकृत व्यवधान, कालकृत निर्देश, हमारे यहाँ जो ऋषि थे वो ऋषियों ने कोई वर्तमान को देख करके धर्म में परिवर्तन नहीं किया, वो तो पहले ही देख करके वहीं से कलयुग में क्या होगा, सतयुग में क्या होगा, जो कि भूत भविष्य और वर्तमान को हस्ता मलकवत देखने में समर्थ थे, उन ऋषि महर्षियों ने अपनी मेधा प्रज्ञा से देख करके और पहले ही हर युग का धर्म निर्णीत कर रखा है, लिख रखा है और समझा रखा है। कलयुग में कुछ वर्जित है, हमारे यहाँ कलौ वर्ज्य प्रकरण है कि ये कार्य कलयुग में नहीं होंगे, तो वो सब स्पष्ट है। इस दृष्टि से किसी को भी, सनातनी को किसी से बहस न करते हुए, किसी से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा मोल ले, अपने आप को संभालते हुए और सनातन धर्म में आस्था रखते हुए, वेदों में, शास्त्रों में, आचार्यों में, अपने परंपरा में आस्था रखते हुए, और ये बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ कर लेना है कि माता बहनों को और चतुर्थ वर्ण वाले लोगों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना है, और वे लोग, उनको वैसे ही इसका फल प्राप्त हो जाएगा। और ये तो वेदों में तथा यज्ञोपवीत आदि धारण करने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वे भी परंपरा से प्राप्त यज्ञोपवीत को जो प्राप्त करते आ रहे हैं, व्राप्त आदि नहीं हुए हैं जो, और वे नियम का पालन करते हैं, वे पुरुष ही यज्ञोपवीत में अधिकृत हैं, महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। हर हर महादेव।